हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है फिर से वेबकोर चैनल पे। तो फ्रेंड, पिछली वीडियो में हमने जो है ये डेटा डाला था और बाद में उसकी सैलरी रिसिप्ट को भी स्टोर किया था, और बैकेंड में भी हमने डेटाबेस में अपने थोड़ी अपडेशंस की थी कि हमारे पास जो है सैलरी रिसिप्ट भी सारा कुछ स्टोर होके आए। तो इतना सारा काम कर लिया था, तो यार यहाँ पे इस वीडियो में हमने क्या करना था, ये सारी डेटा जो है कहीं ना कहीं शो होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या सोचा था कि एक न्यू विंडो बना लेते हैं और उसके अंदर सारा डेटा हम शो करा देंगे। बट यार उससे पहले ना मैं क्या करता हूँ, ये जो हमने बटन बनाया ना, ये सर्च बटन, इस पर हम वर्क करते हैं। और यहीं पे यार जैसे ही सर्च कर लेगा ना, तो यहाँ पे अपडेट और डिलीट बटन भी हम ऐड ऑन करते हैं, मतलब थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं अपने अपडेट और डिलीट बटन के लिए कि यहाँ पर ही आ जाए, और यहीं से जो है यार यूजर जो है उसको अपडेट भी कर ले, क्योंकि शो वाला जो काम है वो हम एंड में रखते हैं कि सारा कुछ जो है यार वो बस उसको शो ही कराना है डेटाबेस, और तो कुछ करना नहीं है। तो सर्च वाला मेन फंक्शन है और यहाँ पे अपडेट और डिलीट वाला। तो मैं क्या करता हूँ जल्दी से यहाँ पे ना इसकी थोड़ी मॉडिफिकेशन करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर हमने जो है ये सारा कुछ हम डिलीट कर देते हैं और इसको भी कर देते हैं क्लोज। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ डोंट सेव। तो ये देखिए इम्प्लॉय फाइल जो है बिल्कुल एज इट इज ही है, हमने यहाँ पे सारा कुछ सेव कर लिया था। अब हमारे यार यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि भाई सर्च वाला आप काम कर दो। तो सर्च वाला काम करने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर जाते हैं अपने फ्रेम में, तो इसको मैं कर देता हूँ हाइड। हम जाते हैं ऊपर फ्रेम में और यहाँ पर मैं चल जाता हूँ, एक बार देख लेता हूँ फ्रेम यहाँ पे कौन सा है, ये है फ्रेम टू, तो जहाँ पर हमारी सारी जो है सैलरीज आ रही हैं। तो नीचे हम जाते हैं और ये जो हमने कैलकुलेट बटन है तो हम इस पर चल जाते हैं। तो ये जो है हमने वाई यहाँ पर, अब हम इसकी वाई को थोड़ा सा चेंज करेंगे, हम इसको करते हैं वाई एक बार 220। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्पेस बना रहा हूँ यहाँ पे आप देखिए, तो इसको मैंने कर दिया थोड़ा सा ऊपर कर दिया, ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा सा ऊपर करने की जगह मैं 30 कर देता हूँ वाई को एक बार। तो ये देखिए ये बिल्कुल सही लग रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास नीचे हमारे पास आ जाएगा डिलीट और अपडेट का। तो मैं क्या करता हूँ यार, तो ना इसको यार हम थोड़ा सा कम करते हैं 25, और ऐसे ही बाकी नीचे भी हम y को 25 कर देते हैं 25, और करते हैं हम रन। तो ये देखिए हमारी थोड़े थोड़े ऊपर आ गई। तो अब यहाँ पर हमारे पास डिलीट आ सकता है और अपडेट आ सकता है, जिससे हम जो है एम्प्लॉय की डिटेल्स को डिलीट कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। तो मैं चल जाता हूँ नीचे, मतलब यहाँ पर हम आ जाते हैं, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इन दो बटन को ना कॉपी करता हूँ, या फिर फर्स्ट दो बटन को कॉपी करता हूँ और करता हूँ पेस्ट नीचे, और बटन कैलकुलेट की जगह यहाँ पर मैं करता हूँ इसको बटन अपडेट बटन डिलीट, और यहाँ पर हम करते हैं इसको अपडेट डिलीट, और यहाँ पर हम इसको करते हैं ग्रीन की जगह रेड, और अपडेट में हम क्या करेंगे ब्लू कर देंगे अपडेट में। और अब इसकी प्लेसिंग कहाँ पर होगी, तो इसकी मैं प्लेसिंग कर देता हूँ y को 40 कर देता हूँ। एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो है y 25 है और इसकी हाइट जो है 30, तो ये हो जाएगा 55। तो हम क्या करते हैं इसको 60 कर देते हैं, और यहाँ पर भी हम 60 कर देते हैं, और एक बार करते हैं रन। तो ये देखिए हमारे पास अपडेट एंड डिलीट आ गया, बट यार ये काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं क्या करता हूँ इसके बटन का ना बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग ही सेट करना चाहता हूँ। तो मैं इसके बटन की विड्थ बढ़ा दूंगा, मैं क्या करूँगा इसकी बटन की विड्थ कर देता हूँ 160, और इसकी भी मैं कर देता हूँ, तो अभी रहने देता हूँ 160 में, हम करते हैं 150 ऐड, तो ये हो जाएगा 310। तो यहाँ पे हम 320 करते हैं और करते हैं रन। तो ये देखिए यहाँ पर आ गया ये, तो यहाँ पर हमने जो है यार इसकी विड्थ को चेंज करना था, मतलब इसके एक्स एक्सिस को चेंज करना था, तो हम करते हैं यहाँ पे कंट्रोल वी। तो ये देखिए अपडेट आ गया डिलीट, अब डिलीट का भी हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर मैं यार रिकॉर्ड करता हूँ 180 कर देता हूँ, और इसमें मैं 40 करते हैं रन। तो ये सही है, अब डिलीट भी हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे करते हैं रन, तो थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा हमें। इस तरीके से आप जो है थोड़ा एडजस्ट कर लें अपने अकॉर्डिंग, जैसा आपको टेम्पलेट बनाना हो। तो यहाँ पे मैंने सोचा यार इसको एज इट इज कर ले, तो यहाँ पे यार बिल्कुल सही लग रहा है, अपडेट भी सही लग रहा है, डिलीट भी सही लग रहा है। तो मैं क्या करता हूँ अपडेट की जो ये है ना एफजी कलर, इसको मैं कर देता हूँ वाइट करते हैं रन। तो ये देखिए बिल्कुल सही लग रहा है अपडेट एंड डिलीट। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना सर्च पे वर्क करेंगे, ताकि हम एम्प्लॉय आईडी डालें और यहाँ पे सर्च करें तो जो भी फील्ड्स हैं वो सारी यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे सैलरी रिसिप्ट भी आ जाए। तो हम जाते हैं एक फंक्शन बनाते हैं नीचे जाकर, सबसे नीचे जाते हैं, और जहाँ पर ये ऐड फंक्शन है ना,
इसके ऊपर हम एक और फंक्शन बनाते हैं डेफ, और यहाँ पे हम करते हैं सर्च, और इसमें सेल्फ पास करते हैं। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ट्राई वाला कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ। यहाँ पे मैं नीचे से ट्राई फेच कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिंपल ट्राई को फेच किया है और एल्स की एक लाइन ही ली है यहाँ पे इंसर्ट तक, और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट या फिर अनकमेंट करते हैं। और फिर हम नीचे जाते हैं, एक्सेप्ट वाले को कॉपी करते हैं, यहाँ पे एक्सेप्ट को कॉपी करते हैं और जाते हैं ऊपर, और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। तो हमने क्या किया, ट्राई और एक्सेप्ट के बस कोड को ही फेच किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यार ये एरर किस तरीके का दे रहा है। ओके तो यार ये क्वेरी में एरर है, तो चलिए कोई बात नहीं। तो हम क्या करते हैं एल्स में पास कर देते हैं सिंपल। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल सर्च फंक्शन बनाया, उसके अंदर ट्राई और एक्सेप्ट में हमने क्या किया, ट्राई में कनेक्शन क्रिएट कर लिया और बाद में यहाँ पे इम्प्लॉय को चेक करें कि भाई उस इम्प्लॉय आईडी से आप फैच करके देखो कि भाई डेटा है कि नहीं है। अगर मान लीजिए नॉट इक्वल टू नन हुआ, या फिर हम करते हैं इक्वल टू नन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इनवैलिड, हम यहाँ पे कर देंगे इनवैलिड एम्प्लॉय आईडी, प्लीज ट्राई विथ अनदर एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, इससे हमें हो जाएगा कि यार ये जो एम्प्लॉय आईडी का डेटा नहीं अवेलेबल है, ठीक है, आप कोई और आईडी डालिए वैलिड। और मान लीजिए अगर ये नन के इक्वल ना हुआ तो क्या होगा, इसका मतलब ऑब्वियसली कोई ना कोई डेटा हमारे पास पड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने रो वेरिएबल है ना, इससे हम डेटा को फैच करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊं, हम यहाँ पे अगर प्रिंट करें, और यहाँ पे मैं करता हूँ रो को प्रिंट, और इस सर्च फंक्शन को हम जो है कॉल करते हैं, कंट्रोल एफ में करता हूँ बटन, और यहाँ पे हमने जो ये सर्च वाला बटन है इस पर हम करते हैं कॉल। तो यहाँ पे मैं करता हूँ कमांड और सेल्फ सर्च को कॉल करता हूँ और करते हैं हम रन। और मान लीजिए अभी हमारे पास डेटाबेस में जो है, एक बार हम जाके देखें, तो यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए अभी हमारे पास एम्प्लॉय आईडी जो है 101 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 1 लिखेंगे और करते हैं सर्च। तो ये देखिए इनवैलिड एम्प्लॉय आईडी, प्लीज ट्राई विद अनदर एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, अब अगर मैं 101 करूँ और करता हूँ मैं सर्च, तो ये देखिए कुछ भी एरर मैसेज नहीं आया। और यहाँ पे ये देखिए उसने जो है हमारे सारे डेटा को प्रिंट कर दिया फैच करके। तो ये देखिए आप सीक्वेंस जो है कुछ इसी सीक्वेंस में है जैसे हमारे पास डेटाबेस में स्टोर है, जैसे हमारे डेटाबेस में स्टोर है उसी सीक्वेंस में, क्योंकि हमने जो है सीक्वेंस इंसर्ट वाली फीचर से ही डाला था। तो मैं क्या करता हूँ, इस कोड को करता हूँ यहाँ पे क्लोज, और अब हम जाते हैं नीचे, सबसे नीचे जाते हैं फंक्शन में, तो कंट्रोल एफ डेफ कर लेता हूँ, यहाँ पे सर्च में जाते हैं, और यहाँ पे हमने जो एड वाला फंक्शन है यहाँ पे हम आते हैं और सबसे एंड में आते हैं, और इसको कंट्रोल सी करते हैं पूरे को, और यहाँ पर प्रिंट की जगह नीचे हम जाके पेस्ट कर देते हैं, और एक बार ऊपर जाते हैं और इसकी इंडेंटेशन को हम करेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमने इसकी इंडेंटेशन करेक्ट कर ली। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये जो गेट है ना, इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेट में। तो कंट्रोल एच करके मैं क्या करता हूँ, सेट कन्वर्ट कर देता हूँ, सभी को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको भी हम कंट्रोल एच करेंगे, तो हमने क्या किया सारी जगह से हमने फेच किया। और यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको गेट करूंगा या फिर इसको मैं करता हूं डिलीट। और अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने कोमा दिया ना यहां पर एंड में सभी, इसको भी मैं कंट्रोल एच से रिप्लेस करूंगा ब्लैंक से, और यहां पर मैं नेक्स्ट कर देता हूं, इसको हमने रिप्लेस करना है। ओके तो मुझे एक बार ऊपर जाना पड़ेगा यहां पर, और अब मैं यहाँ पर रिप्लेस कर लेता हूँ। तो इस तरीके से हमने जो है सारे कोमास को रिप्लेस कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर रो में हम डालेंगे, सबसे पहले हमारी जो है आईडी 01 पे होगी, और इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे 1 में डेजिग्नेशन, 2 में हमारा नेम होगा। तो यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल नीचे हमारे 10 पे आ रही है, मतलब हमारा जो इंडेक्स है 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 पे हमारा एम्प्लॉय कोड है, उसके बाद डेजिग्नेशन, फिर नेम, फिर एज। तो इस तरीके से हम जो है इसको सीक्वेंस ऑर्डर में बस करते रहेंगे पेस्ट। 4 यहाँ पे आ गया, 5,
तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि यार ये जो वेरिएबल्स हैं ये थोड़े गलत ना हो जाए। तो आपके वेरिएबल्स उसी अकॉर्डिंग सेट हुए होंगे क्योंकि हमने जो इंसर्ट भी उसी अकॉर्डिंग ही सेट किया था। तो 7, 8, 9 तो यहां पे हम क्या करेंगे, एड्रेस में हम इसको डिलीट करेंगे। पहले पहले आप क्या करेंगे, डिलीट और देन कॉपी, और यहां पे पेस्ट करके इंसर्ट कर देंगे। और यहां पर आप इंसर्ट क्या करेंगे, यहां पे आप एंड से लेके यहां पर आप कर देंगे रो, और यहां पे 13 कर देंगे, और देन यहां पर भी रो, और ये हो जाएगा 14। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, फिर पेस्ट 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 पेस्ट, और यहां पर हम क्या करेंगे, 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो अब हमारा कॉन्सेप्ट जो है यहां पर कि यार हमने जो है यहां पर रिसिप्ट को भी तो फेच करके अपडेट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे फाइल को ओपन करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे जो हमने यार एक फाइल बनाया था ना ऐड वाले में, आई थिंक यहां पर ये देखिए हम जो ओपन कर रहे थे, इसी को मैं ओपन करूंगा मतलब कॉपी करूंगा, और जाता हूं मैं ऊपर, और यहां पर मैं क्या करता हूँ पेस्ट कर देता हूँ, और इसको मैं करता हूँ ऐसे। और अब हमें पता है यहां पर जो है हमारी फाइल ये आ जाएगी, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम स्ट्रिंग में ही है। तो हम क्या करते हैं रो यहां पर हम क्या करते हैं 23 कर देंगे, और यहां पर हम इसको रीड मोड में ओपन करेंगे, और यहां पे राइट ना होके हम यहां पे राइट जो है डिलीट कर देंगे। यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट टी एक्स टी जो रिसिप्ट है सैलरी की, उसको यार हम कर देंगे डिलीट। ठीक है, जो भी डेटा उसके अंदर होगा सबसे पहले भाई आप कर दो डिलीट। अब डिलीट क्या करो, 1.0 से लेके एंड तक आप डिलीट कर दो, और फिर आप चलाओ फोर लूप, वो भी आई इन फाइल जो हमने बनाया ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आप क्या करो, इसको हम करते हैं कॉपी, कर दो इंसर्ट। आप क्या करो यहां पे इंसर्ट कर दो, और एंड में आप जो भी यहां पे आई में वैल्यूज आएंगी वो आप इंसर्ट कर दो, और फिर आप क्या करो फाइल को क्लोज कर दो, दैट्स इट। और अब हम करते हैं इस पूरे फाइल को एक बार रन। तो अभी आप देखेंगे हमारे पास डेटा कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 101 को फेच करता हूँ, और यहाँ पे मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए यार सारा ही डेटा हमारे पास आ गया और अपडेट हो गया, और यहाँ पे हमारे पास जो सैलरी रिसिप्ट है वो भी हमारी यार यहाँ पे फेच होके यहाँ पे अपडेट हो गया। तो बहुत ही सही काम हो गया, हमारा सर्च का वर्क हो गया। और मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं क्लियर करता हूँ, तो अभी हमने क्लियर पे भी वर्क करना है, कैलकुलेट हो गया हमारा, सेव भी हो गया, क्लियर रहता है, डिलीट रहता है और अपडेट रहता है, और सर्च भी हमारा हो गया है। तो बाकी सारा काम जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस फ्रेंड एंड स्टे ट्यून्ड।